टीटीएमिशेस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन विदाउट एनी ट्रबल। हम इन्हें एकदम परफेक्टली बना लेंगे आसानी से, तो ज़रूर से आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल टीटीएमिशेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बनाना शुरू करते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। इसके लिए हमने लिए हैं 7-8 ब्रेड के स्लाइसेस, 1 टीस्पून देसी घी। घी की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ मैंने 3/4 कप मिल्क लिया है। मिल्क का जितना यूज़ होगा मैं उस आपको बता दूंगी। और 1 टीस्पून मिल्क पाउडर लिया है और 1 कप चीनी ली है, शुगर और 1 इलायची ली है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड के हम टुकड़े कर लेंगे और इसे मिक्सी में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे हम। ये देखिए ब्रेड स्लाइस के टुकड़े कर लिए और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड का इस तरह से चूरा बना लिया हमने। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए ब्रेड के चूरे को हमने निकाल लिया है बाउल में और कप्स में ये 3 कप ब्रेड का चूरा है। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हम इसमें 1-1 टीस्पून करके मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, 4 टीस्पून मिल्क हमने इसमें ऐड किया था। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम फिर इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें अभी टोटल 10 टीस्पून मिल्क ऐड कर लिया है और अब हम इसे अब हाथ से मस लेंगे। हम इसमें देसी घी भी डाल देते हैं। देसी घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और मिल्क पाउडर भी हम डाल लेते हैं इसमें। और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, एकदम से हम इसे चिकना कर लेंगे हाथों से। एकदम आटे की तरह हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। और अगर अभी अगर ये ड्राई लगे तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें 1 टीस्पून मिल्क और डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें टोटल 11 टीस्पून मिल्क ऐड किया है। आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और अब ये देखिए इसे अच्छे से मैंने डो की तरह तैयार कर लिया है। ये एकदम अब डो की सॉफ्ट डो बन चुका है इसका। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम 1 कप चीनी में 1 कप पानी डालकर इसका गुलाब जामुन जैसा शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है और इलायची पाउडर भी हमने इसमें डाल लिया है। इलायची को खोल के डाल लिया था हमने। और अब मैं इसमें 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस की डाल रही हूँ। इससे हमारे गुलाब जामुन में काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। देखिए हमारा शुगर सिरप अब बनकर बिल्कुल तैयार है। ये इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए बस, जैसे हम उंगली और अंगूठे में जब इसे मिक्स टच करें तो हमें हल्का सा गाढ़ापन महसूस होना चाहिए। ये तार नहीं बन रहा है, ये बस पानी की बूंद है इसकी। तो हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और कढ़ाई में मैंने मीडियम से कम आंच पर ऑयल गर्म होने रख दिया है। आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ किशमिश के दाने लिए हैं, इन्हें मैं गुलाब जामुन के अंदर स्टफ करूँगी। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स भी कट करके इसमें स्टफ कर सकते हैं। देखिए अभी एकदम सॉफ्ट डो की तरह हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इसमें हम किशमिश स्टफ कर देंगे। ऐसे तो हमने इसमें घी डाला था तो ये हाथों में हमारे चिपक नहीं रहा है, बट बाय चांस अगर ये चिपके तो आप अपने हाथों पर घी या तेल की चिकनाई लगाकर इसके इस तरह से बॉल्स बना लें। तो हम अपने सभी बॉल्स इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे सभी बॉल्स बनकर तैयार है। ये देखिए ऑयल भी अब गर्म हो चुका है। हम इसमें एक बॉल का टुकड़ा डाल के देख लेते हैं। ये देखिए ये एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है, धीरे से ऊपर आएगा ये। तो हमारा ऑयल अब बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो हम इसमें अपने गुलाब जामुन डाल लेते हैं सारे।
पहले हम सिर्फ एक गुलाब जामुन ट्राई करके देखेंगे। अगर हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट ट्राई हो जाते हैं तो हम अपने सभी गुलाब जामुन इसमें डाल लेंगे। अगर बाय चांस आपके गुलाब जामुन फटने लगे तो आप इसमें एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर या एक टीस्पून मैदा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे डालकर इसे अच्छे से बाइंड कर लें। बट आप देख रहे हैं कि गुलाब जामुन एकदम सही से फ्राई हो रहा है, तो हम इसे हल्का से इसकी जगह से हिला देते हैं। ये देखिए, ये परफेक्ट फ्राई हो रहा है, तो हम अपने सभी गुलाब जामुन इसमें डाल लेते हैं। और अब हम इनका अच्छे से गोल्डन कलर होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने ऑयल, जो नॉर्मली हम गुलाब जामुन फ्राई करते हैं तो उसमें हम ऊपर तक ऑयल लेते हैं, बट ब्रेड के गुलाब जामुन और सूजी के गुलाब जामुन में ऑयल हमेशा लेवल ही लिया जाता है, ताकि गुलाब जामुन अच्छे से सही से फ्राई हो जाए। तो अब हम इसे पहले एक तरफ से, जब ये हल्के से पक जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। हम इन्हें हल्के से इनकी जगह से हिला देते हैं। चम्मच हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है, हल्के हाथ से हम इन्हें बस इनकी जगह से हिला देंगे। और अब हम इन्हें फ्राई होने देंगे। ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन अच्छे से ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। अभी हमने इन्हें कुछ देर और अच्छे से तल लेना है। आप चाहे तो डो में चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, उससे भी गुलाब जामुन का टेक्सचर काफी अच्छा हो जाता है। गैस की आंच हमें मीडियम से कम ही रखनी है, ताकि हमारा गुलाब जामुन अंदर से भी सही से पक जाए। तो अब हम इन्हें पकने देते हैं, जब तक कि इनका गोल्डन कलर ना हो जाए। ये देखिए, हमारा गुलाब जामुन को फ्राई होते होते 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, गुलाब जामुन के इन बॉल्स की साइज जितनी छोटी या बड़ी होगी उस हिसाब से इसमें टाइम लगेगा। बस हमने इन्हें इस तरह से गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेना है। बस हम इन्हें हल्का सा और फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें डायरेक्ट शुगर सिरप में ऐड कर लेंगे, डाल लेंगे उन्हें उनमें। ये देखिए, गुलाब जामुन का अब काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें इनमें से निकाल लेंगे और सीधे इसे शुगर सिरप में डाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा तेल हम इस तरह से झाड़ कर निकाल लेंगे। और अब हम इसे शुगर सिरप में डाल लेते हैं। शुगर सिरप में मैंने हल्का सा फूड कलर ऐड कर लिया था, ताकि हमारा गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे लगे इसमें। टोटली ऑप्शनल है फूड कलर हमेशा ही। इसे हम हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमारी चाशनी अभी भी काफी गर्म है, तो अब हम इसे वापस से डबल गर्म नहीं करेंगे, बस हम इसे अब ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए गुलाब जामुन को इसी में डिप रहने देंगे। अगर हमारी चाशनी ठंडी हो जाए तो हम इन्हें 2 मिनट के लिए फिर से गर्म कर सकते हैं, बट अभी हमारी चाशनी काफ़ी गर्म है, तो हम बस इसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन को शुगर सिरप में डीप होए हुए 1 घंटा हो चुका है तकरीबन। मैंने इन्हें 15 मिनट बाद चेक किया था, तब हमारा शुगर सिरप ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसमें मे बी 1 से 2 टेबल स्पून गर्म पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर इसके एक बॉइल ले लिया था, ताकि हमारे शुगर सिरप वापस से अच्छे से गर्म हो जाए। एंड अगेन मैंने इसे ढक करके रख दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप में हमारे गुलाब जामुन एकदम अच्छे से, साइज में भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं, और ये सॉफ्ट तो ये काफ़ी है ही। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। हम अपने सभी गुलाब जामुन सर्विंग प्लेटर में निकाल लेंगे और इस पर हम शुगर सिरप भी डाल लेते हैं। ये देखिए, इन्हें हमने पिस्ता कतरन से गार्निश कर लिया है और हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आपने देखा हमने इन्हें कितनी आसानी से बना लिया, विदाउट एनी प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट ब्रेड के गुलाब जामुन बने हैं। तो आप भी इन्हें जरूर से बनाइएगा, सभी को काफ़ी पसंद आते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन, तो इस तरह से आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा।
और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ईट एमिशियस। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ चैनल इज टोटली फ्री, इसमें किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। बस जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली और भी नई नई रेसिपीज के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय दिस ब्रेड का गुलाब जामुन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट यमीशियस। ये देखिए हमारे एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बने हैं हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन और शुगर सिरप इनमें अंदर तक गया हुआ है। तो आप भी इन्हें एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, सबको काफी पसंद आएंगे। और हमारे चैनल ईट यमीशियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।